फ्रेंड्स, ये देखिए आज हम सीखेंगे ये बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन। ये देखिए, इस डिज़ाइन को आप अपने किसी प्रोजेक्ट में डाल सकती हैं, लेडीज़ कार्डिगन में, लेडीज़ जैकेट में, जेंट्स हाफ स्वेटर फुल स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में, बच्चों की फ्रॉक में, शॉल में, स्टॉल में डाल सकती हैं। ये बनकर बहुत ही प्यारा लगता है फ्रेंड। ये देखिए, आगे की साइड से ये इस तरह दिखता है और पीछे की साइड से ये इस तरह से दिखता है। ये देखिए, तो फ्रेंड इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको जो स्टिचेस चाहिए होंगे वो 6 के मल्टीपल से होंगे, प्लस 4 फंदे एक्स्ट्रा रखने होंगे। और ये जो डिज़ाइन है ये टोटल 8 रो का डिज़ाइन है। 8 रो के बाद ये डिज़ाइन ओवर हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं ये डिज़ाइन कैसे बनेगा। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने 40 फंदे लिए हैं, 36 फंदे 6 के मल्टीपल से लिए हैं, प्लस 4 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं, और नीचे से ये बॉर्डर बनाकर कंप्लीट कर लिया है। आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से कोई भी बॉर्डर नीचे बना सकते हैं। ये देखिए, ये इसकी फर्स्ट रॉ है और राइट साइड है। इसकी फर्स्ट रॉ हम सारी सीधे सीधे फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। सेकेंड रॉ रॉन्ग साइड, इस सारी रॉ को ऐसे उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। थर्ड रॉ राइट साइड, ये देखिए एज स्टिच ऐसे ही उतारेंगे, एक फंदा सीधा बुन लेंगे। ये हमारे एज स्टिच हैं। अब देखिए, यहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा। अब हम एक फंदे के 5 फंदे बनाएंगे। ये देखिए, एक बार सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, फिर सीधा बुनेंगे, 3 फंदे हो गए, फिर धागा आगे, फिर सीधा बुनेंगे। ये देखिए, एक फंदे के 5 फंदे हो गए हैं। ये देखिए, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब हमने 5 फंदे जो हैं वो हम 2 बार धागा लपेट कर बनाएंगे। ये देखिए, 1, 2, 2 बार धागा लपेटेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर से 2 बार धागा लपेटेंगे, 1, 2, दूसरा फंदा, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5। ये देखिए, स्टार्टिंग के 2 फंदे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। आगे इसे ही रिपीट करेंगे। फिर देखिए, एक फंदे के 5 फंदे बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, फिर सीधा बुनेंगे 3 बार। एक फंदे के 5 फंदे हो गए। अब 5 फंदे 2 बार धागा लपेट कर बनाएंगे, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5। फिर से पैटर्न रिपीट करेंगे, एक फंदे के 5 फंदे, एक बार धागा आगे, 2 बार सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे 3 बार। ये देखिए, एक फंदे के 5 फंदे हो गए, 5 फंदे 2 बार धागा लपेट कर बनाएंगे, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5। ऐसे ही जितने भी हमारे फंदे हैं उनको बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। 3 फंदे हो गए, धागा आगे और 5 फंदे, फिर 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, धागा आगे 3, धागा आगे 5, फिर 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5। फिर एक फंदे के 5 फंदे, धागा आगे, सीधा धागा आगे, फिर से सीधा बुनेंगे।
ये देखिए पांच फंदे हो गए, फिर 1 2 1, 1 2 2, 1 2 3, 1 2 4, 1 2 5, लास्ट के दो फंदे सीधे। रॉ थर्ड कंप्लीट हो गई है, रॉ फोर्थ रॉन्ग साइड। ये देखिए ए स्टिच ऐसे ही उतारेंगे, एक फंदा उल्टा बना लेंगे। अब पांच फंदे जो हमने दो बार धागा लपेट कर बनाए थे उनको हम खोल लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5, ये देखिए इनको राइट नीडल पर लेकर जाएंगे, अब लेफ्ट नीडल पर शिफ्ट करेंगे। अब पांचों फंदों को एक साथ बुनेंगे उल्टा, पांच फंदों का एक फंदा बनाएंगे उल्टा बुनते हुए। ये देखिए अब ये जो हमने पांच फंदे बनाए थे एक फंदे के, इसको हम पांचों को उल्टा बना लेंगे। 1 2 3 4 5, ये देखिए स्टार्टिंग के दो फंदे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। आगे इसे ही रिपीट करेंगे फिर से। ये देखिए 1 2 3 4 5 फंदे ओपन कर लेंगे। अब इनको पांच फंदों का एक फंदा बनाएंगे, पांच फंदे उल्टे बना लेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, पांच फंदों का एक फंदा, 1 2 3 4 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5, पांच फंदों का एक फंदा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, पांच फंदों का एक फंदा, पांच फंदे उल्टे, 2 3 4 और 5, फिर 1 2 3 4 5, पांच फंदों का एक फंदा, पांच फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5, लास्ट के दो फंदे उल्टे बुन लेंगे। रो फोर्थ कंप्लीट हो गई है, ये देखिए रो फाइव राइट साइड। इस सारी रो को सीधे सीधे फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही इसकी रो सिक्स भी उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। रो फाइव सीधे सीधे फंदों के साथ बुनेंगे, रो सिक्स रॉन्ग साइड उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। रो सेवन राइट साइड। अब देखिए स्टार्टिंग के दो फंदे सीधे बुन लेंगे। अब देखिए यहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा। ये देखिए यहाँ पर हमने एक फंदे के पांच फंदे बनाए थे और यहाँ पर हमने एक फंदा बनाया था पांच फंदों का। अब हमने ये देखिए क्या करेंगे, ये पांच फंदे जो हैं इनको अब हम दो बार धागा लपेट कर बनाएंगे। ये देखिए 1 2 1, 1 2 2, 1 2 3, 1 2 4, 1 2 5। अब ये एक फंदा है, एक फंदे के फाइव फंदे बनाएंगे। एक धागा आगे, तीन धागा आगे और पांच। अब देखिए स्टार्टिंग के दो फंदे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। आगे इसे ही रिपीट करेंगे फिर। देखिए पांच फंदे दो बार धागा लपेटेंगे। 1 2 1, 1 2 2, 1 2 3, 1 2 4, 1 2 5। एक फंदे के पांच फंदे, धागा आगे, तीन धागा आगे, पांच। फिर 1 2 1, 1 2 2, 1 2 3, 1 2 4, 1 2 5। एक फंदे के पांच फंदे, धागा आगे, तीन धागा आगे, पांच। फिर 1 2 1, 1 2 2, 1 2 3, 1 2 4, 1 2 5।
एक फंदे के 5 फंदे, ऐसे ही जितने भी हमारे फंदे हैं सभी को बुनकर कंप्लीट करेंगे। ये देखिए 1 2 1, 1 2 2, 1 2 3, 1 2 4, 1 2 5, एक फंदे के 5 फंदे, 3 धागा आगे, 5, 1 2 1, 1 2 2, 1 2 3, 1 2 4, 1 2 5, एक फंदे के 5 फंदे, धागा आगे 3, धागा आगे 5, लास्ट के 2 फंदे सीधे। रॉ 7 कंप्लीट हो गई है, रॉ 8 रॉन्ग साइड। अब देखिए ये हमने एक फंदे के 5 फंदे बनाए थे, पांचों फंदे उल्टे बनेंगे। स्टार्टिंग के 2 फंदे उल्टे बना लेंगे, 5 फंदों को उल्टा बना लेंगे। 1 2 3 4 5, 5 फंदे इनको खोल लेंगे, 1 2 3 4 5, 5 फंदों का एक फंदा बनाएंगे उल्टा बनते हुए। स्टार्टिंग के 2 फंदे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। आगे इसे ही रिपीट करेंगे, फिर 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 फंदों का एक फंदा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 फंदों का एक फंदा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 फंदों का एक फंदा, 5 फंदे उल्टे, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 फंदों का एक फंदा, 2 फंदे उल्टे। रॉ 8 कंप्लीट हो गए हैं ये देखिए, और हमारा डिज़ाइन भी कंप्लीट हो गया है ये देखिए। ऐसे ही हम इसकी 1 2 8 रॉ बार बार पेट करते जाएंगे और ये बनकर इस तरह से दिखने लगेगा। ये देखिए फ्रेंड, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है फ्रेंड। आप भी इसे बनाइए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।